सबसे बड़ा संगठन हमारा ही व्यापार मंडल का है, आप ही देख रहे हैं, वो सब लोग सिर्फ और सिर्फ रुड़की शहर के अंदर सीमित हैं। इसके अलावा 20% तो हम महिलाओं को अपनी विंगमिल जिले में भी लेंगे और व्यापारियों की अब समस्याएं होंगी, हम सड़कों पे उतरेंगे और यदि हमें सरकार के विरोध में भी खड़ा होना पड़ेगा तो बिल्कुल खड़े होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताएं, प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला इकाई एवं प्रदेश इकाई के नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत आज रुड़की के एक होटल में किया गया। आपको बता दें, जिला महामंत्री महिला विंग रश्मि चौधरी के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए जानते हैं क्या कहा रश्मि चौधरी व नवनियुक्त पदाधिकारियों ने। हाँ, जिले और प्रदेश के सभी पदाधिकारियों का महिला विंग की तरफ से स्वागत समारोह रखा गया है, उसमें सभी हमारे भाई लोग आए हैं। इसमें रिपीट हमारे सौरभ भूषण शर्मा जी हुए हैं और देश मंत्री हमारे संजय गर्ग भैया बने हैं और प्रमोद गोयल साहब हमारे उपाध्यक्ष बने हैं प्रदेश के, और जिला महामंत्री हमारे विभोर अग्रवाल साहब बने हैं और अभी हमारे प्रमोद जौहर साहब भी आने वाले होंगे, प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं वो हमारे। इसे मेरा बहुत अभिनंदन और स्वागत है उनका। व्यापारियों की जो भी समस्याएं होगी हमारी, वो हमारे जिलाध्यक्ष और हमारी महिला विंग पूरा हमारा प्रदेश का जितना भी हमारा पदाधिकारी होगा, जितना भी व्यापारियों की अब समस्याएं होंगी, हम सड़कों पर उतरेंगे और यदि हमें सरकार के विरोध में भी खड़ा होना पड़ेगा तो बिल्कुल खड़े होंगे, क्योंकि व्यापार से रिलेटेड हम लोग संगठन में हैं। तो हमें व्यापारियों की जो महिलाओं की समस्याएं हैं, महिलाओं की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे मार्केट में रहते हैं तो टॉयलेट्स नहीं मिलते हैं उनको, बाथरूम्स नहीं मिलते हैं, तो उस मुद्दे को भी हम उठाएंगे SDM के सामने, DM के सामने और क्या कहते हैं SDM के सामने। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगे हम सबको उठाएंगे। उन्होंने होता है प्रदेश के स्तर से होता है, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री जो हमारे कोर कमेटी के लोग हैं, उन्होंने जैसा काम देखा उसे दोबारा से उन्होंने जो है जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, जहाँ सही नहीं चला था वहाँ रिपीट किए गए, जहाँ नहीं सही चला था वहाँ बदले गए। नहीं नहीं, अब तो प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रदेश मंत्री बन गए और सक्रिय हैं, सारी उम्र से सक्रिय हैं वो। उन्होंने 35-35 साल अपनी जिंदगी की दे दिए व्यापारी समाज में। पहले रुड़की में व्यापार मंडल बहुत पुराने टाइम में महिला विंग हुआ करती थी, वो बीच में आके बंद हो गई और दोबारा से हमने इसी पिछले कुछ महीने पहले ही दोबारा से पुनर्गठन किया है और जितनी हमारी नगर इकाइयाँ हैं और कस्बों में जो इकाइयाँ हैं दोबारा से वहाँ पे मेंबरशिप ओपन होगी, दोबारा से वहाँ चुनाव होंगे, दोबारा से नई कमेटी बनेगी वहाँ पे, तो सारा रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो अभी जो हमें जिम्मेदारी मिली है उसका हम धन्यवाद करते हैं प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश महामंत्री जी का, और बाकी जो महिलाएँ हमारे साथ, हम चाहेंगे कम से कम 33% तो नहीं, हाँ 20% तो नहीं, हाँ 20% तो हम महिलाओं को अपनी विंग में जिले में भी लेंगे और नई विंग हमने बना दी है महिला की, वो वहाँ पूरी महिला रहेंगी। 9 साल यहाँ पर जिलाध्यक्ष रहा हूँ और पिछले 3 साल प्रदेश में सह कोषाध्यक्ष था मैं, और अब मुझे प्रदेश मंत्री का दायित्व प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की ओर से मिला है। और अभी जो इनका सेल्टेक्स वालों ने छापे लगाए थे उसमें भी हम लोग वहाँ पर गए थे, जब बाजार बंद हो गया था हमने सबको समझाया और बाजार खुलवाया। उससे पहले भी रामनगर में कोई समस्या हुई, अंबर तालाब में जो पानी भरा है, और लगातार SDM को भी हम लोग ज्ञापन देते आए हैं और हम लोग, हमारा काम जो है प्रदेश नेतृत्व को, नहीं जो मुझे दायित्व प्रदेश वाले मुझे देंगे मैं उस दायित्व के हिसाब से ही अपने कार्यप्रणाली को रखूंगा, और हमारा जो काम है प्रदेश नेतृत्व को बताना है समस्याएं व्यापारियों की और क्या कहें शहर के जो। अच्छा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई संगठन का काम करना होता है, प्रदेश वाले जो है जो भी दायित्व देंगे उसको सहर्ष स्वीकार कर जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। नहीं, संगठन सबसे बड़ा संगठन हमारा ही व्यापार मंडल का है, आप ही देख रहे हैं, वो सब लोग सिर्फ और सिर्फ रुड़की शहर के अंदर सीमित हैं, इसके अलावा उनका कहीं से कहीं तक विस्तार नहीं है। हमारा आप बद्रीनाथ से लेके और क्या करें श्रीनगर से लेके और पिथौरागढ़ से लेके खटीमा से लेके कहीं भी आप चले जाएंगे आपको पूरा व्यापार मंडल नजर आएगा।
अभी चूंकि नया विस्तार हो रहा है तो नगर की इकाई वाले भी आएंगे, सब लोग आएंगे। पिछली बार अरविंद जी हमारे कार्यक्रम में थे, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे आपस में कोई मतभेद नहीं है, हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे और व्यापारी के हित में हम काम करते रहेंगे। ये हम आपको आश्वासन देते हैं।